गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये मेरा कोरोना सीरीज़ में थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो भी है, क्योंकि अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी कुछ कोरोना पे हो गया, इसलिए मेरा ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय जो है वो दो है, एक मास्क और दूसरा जो विषय है वो है कोरोना की टीका, जिसको गुजराती में रसी बोलते हैं और इंग्लिश में वैक्सीन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस मास्क की बात करें, ये जनरली इसको सर्जिकल लेयर, सर्जिकल मास्क बोलते हैं, दो लेयर तीन लेयर का आता है। ये मैंने 10,000 से ज़्यादा मास्क मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है मेरे ऊपर, 1993 से लेकर 2002 तक पर डे 3 मास्क हम लोग फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते थे, तो आप हिसाब लगा लो तो 10,000 से ज़्यादा यूज़ हमने किए हैं। ये मास्क जो है इसके अंदर जो होल होते हैं वो 12 माइक्रोन तक के होते हैं। 12 माइक्रोन का मीनिंग हो गया 12,000 नैनोमीटर। कोरोना वायरस, एक कोरोना वायरस का जो साइज़ होता है वो 125 नैनोमीटर होता है और इसके अंदर 12,000 नैनोमीटर का होल होता है। आप हिसाब लगा लीजिए कि कम से कम 100 कोरोना वायरस इसके होल से अंदर आ जाएंगे। पर हम लोग इस मास्क की अभी चर्चा ही नहीं करते हैं। मास्क के लिए क्या है कि यूएस ने, FDA फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एक रूल्स बनाए हुए, जैसे फूड प्रोडक्ट है तो यूएस में वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब माना जाने वाला है, लीगल अथॉरिटी नहीं है लेकिन रूल्स जो है, जैसे फूड है तो फूड के लिए हर एक कंपनी जो है ना वो यूएस में 21 CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, 21 CFR के नॉर्म्स फॉलो करती है। फिर आजकल हैंड सैनिटाइजर खूब चल रहा है, हैंड सैनिटाइजर कैसा होना चाहिए और उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसमें कितना अल्कोहल होना चाहिए, वो कैसे मारता है, ये सारा स्पेसिफिकेशन इसी ये CFR में दिया हुआ है 27 में। तो उसी तरह से जो ये मास्क होता है उसका स्पेसिफिकेशन US गवर्नमेंट ने 29 CFR 29 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के अंदर दिया हुआ है कि इसके अंदर कितना होल होना चाहिए, इसका टेस्टिंग कैसा होना चाहिए, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो अभी अपन एक ये वाला मास्क की बात करते हैं जिसको N95 मास्क बोलते हैं। ये जो N95 मास्क है वो क्या होता है, ये वाला N95 उसकी कॉस्ट लगभग जो है अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ये N95 मास्क जो है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये N95 मास्क जो है उसके अंदर जो होल की साइज़ है वो 300 नैनोमीटर की होती है मिनिमम। मतलब कोरोना वायरस की साइज़ है 125 नैनोमीटर और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट N95 जो मास्क है उसके अंदर होल की साइज़ होती है 300 नैनोमीटर, मतलब दो वायरस फिर भी उसके होल से अंदर आ जाएंगे। तो फिर बात ये आती है कि क्या मास्क न लगावे। मास्क एक्चुअल में आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके मिलने जुलने वालों के लिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह मैं बताऊँ आपको कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया, जैसे आपने मेरी इतना वीडियो सुनने के बाद आप समझ सकते हो कि मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, 101% चाहे ऐसे मास्क की भी ज़रूरत है। इसलिए कि एक मारुति की सियाज गाड़ी आती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 164 किलोमीटर है, तो जब हम खांसते हैं छींक आती है तो हमारे जो
अंदर से जो एयर निकलती है उसकी स्पीड जो है वो इतनी फास्ट होती है, 160 किलोमीटर की स्पीड से हम लोगों के अंदर का जो ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे बूंद, वो उतनी स्पीड से जाते हैं और वो 3 मीटर दूर तक जा सकते हैं। इसलिए अगर सामने वाले को वायरस की या कोई भी बीमारी है, कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बीमारी है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो इतनी स्पीड से आपके पास आएंगे और अगर मास्क लगाया हुआ है तो वहाँ पर रुक जाते हैं। और अगर थोड़े बहुत वायरस अंदर आ भी गया, वायरस एक्चुअल में सेपरेट नहीं रहता है, वो इसके साथ में रहते हैं, छोटे छोटे जो बूंद होती है नाक में से निकली हुई उसके साथ में, तो अगर वो रुक गया तो आपके बॉडी में वो वायरस नहीं जाएगा। और बॉडी में न जाने से इतना लॉस या वो बात नहीं करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, उस सामने वाले का केस देखते हैं, वो अगर हमने खांसा और हमारा जो अंदर का माल है वो सारा बाहर इतनी स्पीड से गया और मास्क नहीं लगाया है, तो उसको अब वो जो है वो हमारे खुद के घर वाले भी हो सकते हैं, दूसरा कोई भी हो सकता है। इसलिए एक सेकंड भी मास्क के बिना हमें नहीं रहना है। भले टेक्निकली मैंने जो बताया उस हिसाब से इस मास्क के अंदर से वायरस जा सकता है, चांस है, लेकिन बात जाने की नहीं हो रही है, बात है मास्क लगाओ दूसरों के लिए, दूसरा आदमी को, क्योंकि दूसरा आदमी में आपको नहीं पता है, जिस आदमी को ये इन्फेक्शन आपकी खांसने की वजह से हो गया है वही आदमी आपके घर वालों से, आपकी फैमिली से मिलेगा, तो आपकी फैमिली को वहाँ पे ये वायरस आने का पूरा पूरा चांस है। अब अपन एक छोटी सी बात, ये विषय ख़त्म हो गया मास्क का, अब वायरस के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है जैसे बच्चा जन्म लेता है तब तुरंत ही उसको एक रस्सी बोल दी जाती है, गुजराती में रस्सी बोलते हैं, बाकी उसको टीका बोलते हैं और इंग्लिश में वैक्सीन बोला जाता है। जो वैक्सीन है ना वो इसलिए दिया जाता है कि वैक्सीन पर्टिकुलर बीमारी के लिए वैक्सीन दिया जाता है कि भाई किसी को ये बीमारी आगे ना हो, जैसे पोलियो का दिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे, अब रस्सी काम कैसे करती है, जो वैक्सीन कैसे काम करता है, वो आपकी बॉडी में जब आपका जन्म होता है उस समय अगर वैक्सीन दे दिया या कभी भी दे दिया तो वो बॉडी में जाके और एक ऐसे एंटीबॉडी एंटीजन तैयार करता है कि जो बीमारी है, जिस बीमारी के लिए ये वैक्सीन बनाया है, वो बीमारी जिस दिन भविष्य में आपके बॉडी के अंदर घुसेगी तो ये एंटीबॉडी जो है वो तैयार रहेंगे उसके लिए। उसको मेमोरी सेल भी बोला जाता है, ये टेक्निकल नाम है मेमोरी, इसलिए कि उसको याद है कि इस तरह की बीमारी आएगी तभी मुझे काम करना है, तब तक काम नहीं करना है। तो तुरंत ही वो बीमारी आएगी, आते ही सीधा ये जो है उसको अटैक करेंगे और वो बीमारी आपको नहीं होगी। ऐसे आजकल जन्म के समय में BCG का और काफ़ी टीका लगाया जाता है, तो ये सारे वैक्सीन वहाँ काम आते हैं। तो फिर कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में इतनी मल्टी मिलियनर कंपनीज और सारे के सारे लगे हुए हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है उसका वैक्सीन, उसका वैक्सीन नहीं बन रहा है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अब्जो रुपये इस पर खर्च हो रहा है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो इसका वायरस का टीका न बनने का अपन बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं बन रहा है। ये मैं आपको एक इसमें दिखा रहा हूँ वीडियो, ये मेरा कोरोना का पहले आपने स्ट्रक्चर देखा था, देखो ये वाला, ये वायरस जो है वो बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके और ये जो पॉइंट्स है इसको स्पाइक बोलते हैं। ये मैं आपको ये पिछले वीडियो में बताया था, वापस बता दूँ, ये एक वायरस की साइज़ 125 नैनोमीटर है और हमारे बॉडी के एक सेल की साइज़ 400 नैनोमीटर होती है। मतलब ये वायरस, चार वायरस अपनी एक सेल में पहुँच जाएंगे और ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स टोटल होते हैं एक जिंदा आदमी में वो 37.5 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन के जो स्पाइक्स है ये अपने सेल में जाके और वहाँ पे अटैच हो जाते हैं।
और जैसे ही ये छोटे छोटे जो है वो बॉडी में अटैच हो जाते हैं, तुरंत ही वो बीमारी हमें लागू हो जाती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये स्पाइक के हिसाब से वो इसका वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन इस वायरस की म्यूटेशन की रेट, मतलब वो अपने आप को जल्दी से चेंज कर लेता है, किसी एक आदमी में आता है तब उसकी डिज़ाइन अलग होती है, दूसरी कंट्री में जाता है तो अलग डिज़ाइन होती है। जैसे इटली में सबसे ज़्यादा लॉस इसलिए भी हो रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे बूढ़े आदमी बहुत ज़्यादा है, तो बूढ़े में ये ज़्यादा असर करता है। वो बात सही है, लेकिन एक दूसरी बात और है, इटली में जो है ये वायरस जो है वो 3 स्ट्रेन का है, और हमारे यहाँ इंडिया में सिंगल स्ट्रेन का वायरस है। तो ये वायरस जो है अपनी डिज़ाइन खुद बार बार बदल रहा है, तो किस डिज़ाइन के हिसाब से, किस, इसको बोलते हैं साइंस में म्यूटेशन। तो ये जो इसकी वैक्सीन बनानी हो किस डिज़ाइन के हिसाब से बनावे, ये अभी प्रॉब्लम आ रही है मेन। ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी वैक्सीन बनाने के पीछे जो प्रॉब्लम यही है कि ये डिज़ाइन बार बार बदल रहा है वो। चलो